हेलो गाइस, मैं हूँ समीर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं R32 फ्रीऑन से रिलेटेड कि हम उसे किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, किस तरह से टॉपअप कर सकते हैं और हमें किस तरह की सेफ्टी बरतनी पड़ती है। तो ये मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हम R32 फ्रीऑन चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो R32 फ्रीऑन है ये भी AC में चार्ज करने के लिए ही बनाया गया है, पर हमें R32 फ्रीऑन चार्ज करते समय थोड़ा सेफ्टी रखना होता है। जैसे कि हम R22 फ्रीऑन जो है उसमें उसका जो सक्शन प्रेशर है, बैक प्रेशर है, वो बहुत कम है R32 के मुकाबले। इसलिए हमें R32 फ्रीऑन चार्ज करते समय बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है। अगर हम कोई न्यू AC इंस्टॉल कर रहे हैं और उसमें अगर हमें R32 फ्रीऑन को चार्ज करना है तो हमें पहले उसे सही तरीके से वैक्यूम करना है। वैक्यूम हम 500 माइक्रोन तक वैक्यूम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यूनिट को 20 मिनट या हाफ एन आवर तक वैक्यूम कर उसमें फ्रीऑन चार्ज कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी छोटी AC को वैक्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई हम स्प्लिट AC का वैक्यूम कर रहे हैं और वो हाफ एन आवर में वैक्यूम हो जाता है तो ठीक है, पर अगर हम सेम थिंग कोई बड़े AC में कर रहे हैं, ये भी मैं जो बता रहा हूँ आपको स्प्लिट AC के बारे में कि हाफ एन आवर में हम वैक्यूम कर सके उसमें फ्रीऑन चार्ज कर देते हैं तो चल जाता है, पर ये भी कंफर्म नहीं है कि हाफ एन आवर में उसका वैक्यूम कंप्लीट होता है या नहीं होता है, या वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद भी जो पंप है, वैक्यूम पंप, वो ओवर रनिंग रहता है, मतलब कि वैक्यूम पंप चलता ही रहता है। तो इसके लिए अगर हम मैनिफोल्ड गेज यूज़ करते हैं या माइक्रोन मीटर यूज़ करते हैं तो ये हमें प्रॉपर पता चलेगा कि -30 hg तक वैक्यूम हुआ है या 500 माइक्रोन तक वैक्यूम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमें इस चीज़ की आदत रहेगी 20 मिनट वैक्यूम करने की या फिर 30 मिनट वैक्यूम करने की, सेम चीज़ अगर हम किसी बड़े यूनिट पर वैक्यूम कर रहे हैं और हम सेम टाइम पर उसे वैक्यूम ओपन कर देते हैं 20 मिनट पर या फिर हाफ एन आवर पर, तो वो वैक्यूम पूरी तरह से नहीं होगा। अगर वैक्यूम पूरी तरह से नहीं होगा तो सिस्टम में मॉइस्चर और एयर रह जाएगा जो कि कंडेंसेबल नहीं है, वो कंडेंसर में जाएगा और हाई प्रेशर बिल्डअप करेगा, क्योंकि जो फ्रीऑन का जो स्पेस है वो स्पेस को जो एयर है वो कवर करेगा। उसके बाद वही एयर जब एक्सपेंशन बल्ब से या फिर कैपिलरी ट्यूब से पार करेगा तो वो मेल्ट होकर जब वो मॉइस्चर का शक्ल लेगा तो वो कैपिलरी को या फिर एक्सपेंशन बल्ब को ब्लॉक भी करेगा, तो जिससे कि हमारे सिस्टम पे प्रॉब्लम आएगा। इसलिए कभी भी कोई भी फ्रीऑन चार्ज करने से पहले हमें प्रॉपर वैक्यूम करना चाहिए -500 माइक्रोन तक। 500 माइक्रोन तक हम उसमें वैक्यूम करेंगे और उसके बाद ही हम उसमें फ्रीऑन चार्ज करेंगे। तो अगर R32 फ्रीऑन जो है, अगर आप किसी नए यूनिट पर चार्ज कर रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें वैक्यूम कर 500 माइक्रोन तक वैक्यूम कर फ्रीऑन चार्ज कर सकते हैं। फ्रीऑन चार्ज किस तरह से करना है इसकी वीडियो भी मैंने पहले बना चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो गेज को, जैसे कि मैनिफोल्ड गेज जो आपके सामने भी इस पिक्चर में है, इसका जो मिडिल वाला पाइप है वो हम कनेक्ट करते हैं सिलेंडर पे, और जो प्रेशर गेज है, अगर हम R32 फ्रीऑन चार्ज कर रहे हैं तो हम इसका जो प्रेशर गेज है उसे हम यूज़ करेंगे रेड साइड वाला गेज। तो इस गेज का जो पाइप है, रेड पाइप, इसे हम कनेक्ट करेंगे AC पे। कभी भी सिलेंडर को ओपन करने के बाद और जब आप AC में कनेक्ट कर चुके हैं रेड पाइप को, तो दोनों पाइप को आपको पर्ज आउट करना है। अगर सिस्टम पूरी तरह से एम्प्टी है तो आप पर्ज आउट करेंगे रेड पाइप से, रेड पाइप का जो सेकंड एंड है जो कि AC में कनेक्ट है, उस जगह से आप पर्ज आउट करेंगे पाइप, जो सिलेंडर है उसे ओपन करेंगे, और जो मैनिफोल्ड गेज का जो वाल्व होता है जिसे हम ओपन कर गैस चार्ज करते हैं, उसे थोड़ा ओपन करने के बाद, उसके बाद ही जब रेड पाइप के जो सेकंड एंड है जिसे हमें AC में कनेक्ट करना है, जब वहां से थोड़ा फ्रीऑन बाहर आ जाएगा या आता रहेगा, उस समय पे आपको उस पाइप को AC में कनेक्ट करना है। तब जाकर आपका जो पाइप है उसमें जो भी एयर होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि हम AC को तो वैक्यूम कर लेते हैं पर जो मैनिफोल्ड गेज है
जो कि इसी तरह से ओपन रखा होता है, तो उसके भी लाइन में एयर या मॉइस्चर आ जाता है और हम उसे पर्ज आउट नहीं करते हैं, डायरेक्ट सिलेंडर में और एसी में कनेक्ट करते हैं और गैस चार्ज करते हैं, जिस वजह से बहुत जगह पे R410 और R32 को चार्ज करते समय पे या फिर टॉप अप करते समय पे एक्सीडेंट का केस हो जाता है। इसलिए हमें R32 या फिर R410 जिसका के हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसे चार्ज करते समय हमें पूरी सेफ्टी रखनी चाहिए। वैक्यूम प्रॉपर तरीके से करना है, वैक्यूम को टाइम देखकर 20 मिनट या हाफ एन आवर नहीं करना है, 500 माइक्रोन तक आपको वैक्यूम करना है और अगर सिस्टम पुराना है तो उसे सही तरीके से फ्लश करना है नाइट्रोजन के द्वारा। नाइट्रोजन भी अगर आप फ्लश करने के लिए नाइट्रोजन भी चार्ज कर रहे हैं सिस्टम पे, तो उसके लिए भी आपको मैनिफोल्ड गेज यूज़ करना है, डायरेक्ट सिलेंडर में पाइप कनेक्ट कर और एसी में पाइप कनेक्ट कर आप उसमें नाइट्रोजन चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये सही तरीका नहीं है जिससे कि एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए हम उसके लिए भी मैनिफोल्ड गेज का यूज़ करेंगे, वैक्यूम करते समय भी हम मैनिफोल्ड गेज का यूज़ करेंगे या माइक्रोमीटर का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें प्रॉपर पता चलेगा कि जो आपका वैक्यूम है वो कितने परसेंट तक कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये टाइम पे अगर आप वैक्यूम करते हैं तो ये जो एसी का जो साइज़ होता है, सब एसी का साइज़ और सब एसी का जो पाइप का लेंथ होता है वो सेम नहीं होता है, इसलिए सेम टाइम पे सब एसी वैक्यूम कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें हमेशा मैनिफोल्ड गेज, जिसे कि हम कंपाउंड गेज कहते हैं, जिसमें आपको -30 Hg तक वैक्यूम का ऑप्शन मिलता है, या फिर माइक्रोन मीटर, इस दो चीज़ों का आपको यूज़ करना है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से वैक्यूम कर सकते हैं। वैक्यूम करने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि 410 और R32 इसे हम टॉप अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो भाई R32 फ्रीऑन को भी हम टॉप अप कर सकते हैं, पर इसके लिए भी आपको पहले एसी में चेक करना है कि उसमें ज़्यादा लीक है या नहीं। किसी भी फ्रीऑन को अगर हम उसमें ज़्यादा लीक है और सिर्फ टॉप अप कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो कुछ दिन के बाद फिर फ्रीऑन रिलीज़ हो जाएगा और फिर से हमें टॉप अप करना पड़ेगा। तो पहले अगर आप किसी भी एसी में ब्रेजिंग कर रहे हैं उसमें लीक है तो आपको उसका पूरा फ्रीऑन रिलीज़ करना होगा या फिर किसी सिलेंडर पे उसको रिकवर करना होगा, रिकवरी यूनिट लगाकर उसके बाद ही आप उसमें ब्रेजिंग करेंगे और ब्रेजिंग करने के बाद उसे पूरी तरह से -30 Hg तक वैक्यूम करने के बाद ही आप उस सिस्टम पे फ्रीऑन चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी सिस्टम पे आपको फ्रीऑन टॉप अप करना है तो जैसे कि R410 जिसका के सक्शन प्रेशर 120 है, तो अगर उस यूनिट पे 15 प्रेशर या फिर 20 प्रेशर कम है, 100 है या 105 है, तो आप उस यूनिट पे टॉप अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उस पर टॉप अप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा वीडियो मैंने देखा है जो ये कहते हैं कि हम उस पर टॉप अप नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसमें टॉप अप कर सकते हैं पर पूरी सेफ्टी के साथ। R410 जो पिक्चर मैं आपके अभी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि सिलेंडर को कभी भी हीट नहीं करना है और हमें लिक्विड ही चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि हम सिलेंडर को धूप में रखकर या फिर कंडेंसर के सामने रखकर हीट कर दिए और जो ऊपर जो जैसे कि सिलेंडर जब गर्म होगा तो जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ जाएगा और जो वेपर है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो इस तरह से सिलेंडर में वेपर बनाकर उसे हम एसी में चार्ज नहीं करेंगे, हमें सिर्फ लिक्विड ही चार्ज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स में मेंशन किया हुआ है कि चार्ज ओनली लिक्विड, आपको सिर्फ लिक्विड चार्ज करना है, वेपर चार्ज नहीं करना है। टॉप अप करते समय भी आपको गेज का उसी तरीके से यूज़ करना है जैसे कि मैंने पहले बताया कि गेज के दोनों पाइप को आपको उसी सही तरीके से पर्ज आउट करना है। जिस एसी में पहले से फ्रीऑन है उस एसी में रेड पाइप जो कि हाई साइड का पाइप है उसे आप एसी में कनेक्ट करने के बाद, जो येलो पाइप है मिडिल पाइप उसे आप सिलेंडर में कनेक्ट करने के बाद, जो सिलेंडर को जब ओपन करेंगे तो येलो पाइप जिस जगह पे कनेक्टेड है मैनिफोल्ड गेज से उस जगह से फ्रीऑन थोड़ा रिलीज़ करेंगे और फिर उसे टाइट करेंगे, और जो रेड पाइप है उसे भी आप मैनिफोल्ड गेज के पास से ओपन करेंगे, एसी का फ्रीऑन थोड़ा रिलीज़ करेंगे और फिर उसे टाइट करेंगे, उसके बाद ही
आपको फ्रीऑन चार्ज करना है मैनिफोल्ड गेज से, और चार्ज करते समय भी आपको मैनिफोल्ड गेज पूरे तरीके से ओपन नहीं करना है, फुल्ली ओपन नहीं करना है। जैसे कि अगर उसमें प्रेशर 100 है या 90 है तो हमें मैनिफोल्ड गेज को भी 120 तक ही ओपन करना है और फ्रीऑन को स्लोली स्लोली चार्ज होने देना है। ऐसा नहीं कि जब हमें फ्रीऑन चार्ज करना है तो हम सडनली उसे पूरा ओपन कर दें और उसके बाद पूरा क्लोज करें तो हमें ये लगेगा कि फ्रीऑन जल्दी चार्ज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 120 प्रेशर चाहिए, आप 120 तक ही ओपन करें और उसे स्लोली स्लोली चार्ज होने दें। ज़्यादा ओपन करेंगे तो जो सक्शन लाइन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि एक्सीडेंट का चांस बढ़ता है। तो इस तरह की गलती कभी भी नहीं करेंगे। और जो R32 है उसे भी हम सेम तरीके से यूज़ करेंगे, चाहे टॉप अप करना हो या फिर नए AC में चार्ज करना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।